भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट। 5 बजे के आसपास भाई गाड़ी खाली होना चालू हो गई, जो कि देख सकते भाई। आ गया दोस्तों अपना खाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे। स्वस्थ ही रहना भाई, ठंडे का मौसम है और झारखंड में इतनी ज़्यादा ठंड है भाई। गुमला में रुके हुए हैं हालांकि अभी, और गाड़ी अपनी आधी खाली हो गई है और आधी बची हुई है सिमडेगा के लिए, जो कि सिमडेगा जाएंगे यहां से 50-60 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों आज का सीन कुछ इस तरीके का है, अभी देख सकते हो सिमडेगा में रुके हुए हैं, जो कि ये सीधा सीधा चला जाएगा भाई कोलीवीरा, कोलीवीरा से सीधा सीधा सिमडेगा, सिमडेगा से फिर निकल जाएंगे रायपुर। बगल में ही मच्छी उच्छी का दुकान है जो कि देख सकते हो, और गाड़ी अपनी दोस्तों देख सकते हो आधी खाली हो गई है और आधी बची हुई है, ठीक है, उसको जाके खाली करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। और पीताम्बर भाई भी अपना निकल चुका है पालकोट, जो कि खाली करने के लिए, और वो उसका भी मेरे ख्याल से 2 पॉइंट का माल था, इसी के कारण वो भी चला गया। अब दोनों पॉइंट खाली करके आ जाएगा भाई, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर अपने अकेले अकेले निकल जाएंगे, देखते हैं। अगर 1 पॉइंट उसका भी खाली हो गया होगा तो ठीक है, क्योंकि शाम तक फिर हो जाएगा, अपना भी शाम तक ही हो जाएगा, फिर आएगा, फिर एक ही साथ ही निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है भाई, और जब तक यहीं पर इंतज़ार करते हैं। खाली क्यों, खाली होने के बाद यहाँ पर क्यों रुके हैं, क्योंकि रिसीविंग और एक पेटी कम हो रहा है, उसको ला के देगा, उसके बाद में निकलेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पर ही खड़े रहते हैं, देखते कितना टाइम में आता है। तो दोस्तों वेट करते करते भाई दिन के करीब बजने वाले हैं 11:30, और अभी तक भाई वो एक पेटी मिल नहीं रहा है, जो कि उसकी खोजबीन अभी चालू है। तो अभी भाई नाश्ता उस्ता करने का टाइम हो गया था, तो मैं नाश्ता उस्ता मतलब ये ले लिया, भटूरे और चावल भी उसमें बचे हुए हैं, लेकिन भाई अभी इतना ठंडा हो गया, चावल एकदम बर्फ़ की तरह, इसके वजह से मैंने गर्मा गर्म भटूरे ही बनवा लिए। तो रात की सब्जी देख सकते हो पूरी जम गई है, जो कि आप पता कर सकते हो, देखो ये अभी तो इसका और भी टेस्ट बढ़ गया होगा दोस्तों। अलग लेवल, मज़ा आ रहा है भाई, ठंडी होने के बाद सब्जी तो और भी मज़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों नाश्ता करते हैं। दोस्तों वहाँ से निकल गए भाई खाली उली करवा के, बस 1 पॉइंट और बची हो, अभी खाली हो जाएगी, और यहाँ पर देखना भाई एक तो भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ है, जो कि कौन सी गाड़ी है ये, अच्छा टैंकर गाड़ी है ये, देखो भाई भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट। ये मेरे ख्याल से दोस्तों टर्निंग के वजह से है ना, इसीलिए हमेशा टर्निंग में आराम से ही मोड़नी चाहिए गाड़ी यार, मेरे ख्याल से नींद उंद में होगा, नहीं तो स्पीड में रहा होगा, इसी के कारण वहां जाके घुस गया। चल बोलते भाई आराम से चलो आराम से, तो चलते हैं दोस्तों सिमडेगा, सिमडेगा माल खाली करते हैं, फिर देखते हैं आगे का सफ़र क्या होता है और कितने बजे तक हो जाता है खाली भाई। और अपना भाई वो भी खाली कर लिया 1 पॉइंट में, पीताम्बर भाई वो भी रात को मिल जाएंगे एक साथ ही, मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो सिमडेगा पहुंच चुके हैं दोस्तों, और जा रहे हैं इस गली में, जो कि इस गली में गोडाउन है भैया का, तो उस गोडाउन में जाके खाली करेंगे। तो इस गाड़ी की वजह से थोड़ी रुकी हुई है, क्योंकि निकल नहीं पाएगी, ऊपर ये वाला भी पकड़ रहा है, इसके वजह से जगह थोड़ा सा ही देख सकते हो, छोटा सा अकेला जगह है इसके कारण। और भाई
देखते हैं कितने में, मतलब ये बांध रहा है उसके बाद में निकलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपनी गाड़ी शाम के करीब 5 बजे के आसपास भाई गाड़ी खाली होना चालू हो गई, जो कि देख सकते भाई गोडाउन यहीं पर ही बगल में। अरे हो रही है खाली अपनी गाड़ी। ठीक है दोस्तों, गाड़ी वाड़ी खाली होती फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं भाई, और रात हो जाएगी, यहाँ से निकलते देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को तो बताते ही रहेंगे हम। ठीक है फाइल दोस्तों, खाली उली हो गई और निकल चुके हैं, और देख सकते हो सिमडेगा में भाई लगा हुआ है बढ़िया मेला, बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है। क्या करें घूमते, लेकिन टाइम भी नहीं है और इधर जंगल वाला रास्ता है, तो इसी के कारण नहीं घूमेंगे, नहीं तो भाई घूमने के लिए चले जाते, और इधर लेट हो जाएंगे तो भाई और भी गड़बड़ हो जाएगा ना, थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा इधर अगर रुक गए तो। ठीक है दोस्तों चलते हैं, अभी पूरी देख रहे हो फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। चलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं तपकरा, और होटल पे रुके हुए भाई, खाना वाना खाएंगे, और देख सकते हो एकदम सुनसान हो गया है ना, ये देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट लाइट बंद करने को तब दिखेगा, पूरा अंधेला कायम हो गया है ना। तो चलते हैं दोस्तों, खाना वाना खाते हैं और यहीं पर ही आराम करते हैं, क्योंकि आगे पूरा जंगल वाला रास्ता है ना, इसके कारण अपन यहीं पर ही बढ़िया खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम कर लेते हैं। देखो ना बिस्तर मैंने सुबह से नहीं उठाया भाई, ये देखो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या करूँ है ना। तो चलते हैं दोस्तों, खाना वाना खा लेते हैं भाई गर्मा गर्म। ठीक है चलने लगा दे खाना ना। आ गया दोस्तों अपना खाना, जो कि देख सकते हो भाई आलू की सब्जी, भुजिया चटनी और दाल, और ये रही रोटियां। आलू की सब्जी, आलू गोभी मेरे ख्याल से, आलू बड़ी है यार, हाँ बहुत दिन हो गए इसे भी, सोयाबीन की बड़ी सब्जी नहीं खाते। बैटरी हो गई ऑफ तो लाइट हो गई ऑफ, तो ऐसे ही एडजस्ट कर। ठीक है गाइस, खाना वाना खाते हैं फिर आराम आराम करते हैं भाई, और क्या करेंगे है ना। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खा खुआ के आ चुके हैं गाड़ी में, जो कि देख सकते हो भाई लेटे हुए हैं अभी, कैसे ये देखो किधर लेटे हुए हैं, स्टीयरिंग के बगल में ही अभी अंदर घुसेंगे, कंबल के अंदर घुसेंगे। तो ब्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, नए बंदे आते हो वो भी सब्सक्राइब कर दिया करो, और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर दे दिया करो भाई, उससे क्या है मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।